जय साईं राम दोस्तों। देखो ये हमने इस कंटेनर में लगाए हुए हैं मेथी और पालक, और आज हम करेंगे इनकी हार्वेस्टिंग। तो देखो ये हमारा पालक कितना अच्छे से उगा हुआ है। पालक को हम अगर थोड़ा थोड़ा पत्तियों को तोड़ लेंगे ना, तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसमें दोबारा से नई पत्तियां आ जाएंगी जो फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये पालक हमने लगाया था लगभग 1-1.5 महीना पहले, और ये हमारा बहुत अच्छी तरह से उगा है। देखो आज तो हम अपने टेरेस गार्डन के पालक की सब्जी बनाने वाले हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हरी हरी हेल्दी पत्तियां हैं ना, और साफ पानी की। और ये तो चलो हमारा कंटेनर तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं इस तरह से। सर्दियों में तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी छोटी सी बालकनी में भी लगा लेंगे तो आपके रोज़मर्रा के लिए, और नहीं तो इसका तड़का ही लगा लीजिए, पालक वाली दाल बना लीजिए, पालक वाले परांठे बना लीजिए। इतनी सी पालक तो 2-3 लोगों की फैमिली के लिए काफ़ी हो जाती है। देखिए हमारी हरी पालक, ये है हमारी पालक, और ये अब हम तोड़ रहे हैं मेथी। ये देखो ये जो है ना, ये तो खरपतवार है, ये मेथी नहीं है। पहले मेरे को भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो ये फिर पापा ने बताया कि नहीं नहीं ये जो है ये वीड है, ये इसमें जो उग गया है खरपतवार है, तो इसको हम निकाल के फेंक देंगे। और ये हम अपनी मेथी को, ये देखो ये मेथी है हमारी, अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है, वैसे इससे पहले हमें कर लेनी चाहिए थी हार्वेस्ट, बट देखिए ये हम अब इसको हम तोड़ रहे हैं। और अब हम सुबह सुबह बनाएंगे फ्रेश मेथी के पराठे। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो एक थम्स अप ज़रूर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस तरह का मोटिवेशन दें कि हम छोटे छोटे कंटेनर में चीज़ें लगाकर अपने बच्चों को ही दिखा सकते हैं कि मेथी कैसी लगती है उगती है तो, या पालक कैसा लगता है जब उगता है तो। धन्यवाद दोस्तों। ये देखो ये हमारा सोया उग गया है, हमने उगाया भी नहीं है, पता नहीं कैसे उग गया है। और अब हम अपना सोया भी तोड़ रहे हैं ताज़ा ताज़ा। ये देखिए मैं तो इसको गाजर समझे बैठी थी, फिर डैडी जी ने बताया कि भाई ये तो सोया है। धीरे धीरे हम भी किसान बनते ही जा रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा ही चाहे निकला, बट हम इसको यूज़ तो कर ही सकते हैं ना साग के अंदर डाल के। देखो ये भी सोया है, ये भी अपने आप से उगी गया है। ये देखिए ये है हमारा सोया। ये देखो ये है चौलाई, और ये तो ना अपने आप ही उग जाती है कंटेनर के अंदर या किसी भी गमले में, अपने आप ही उग जाती है। हम लोग इसको वीड समझ के निकाल देते हैं, बट इसमें बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, तो हम ये थोड़ी बहुत भी अगर हो रही है तो इसको हम तोड़ के और साग के साथ मिला के बना सकते हैं। इसको ऊपर से तो हटा ही दीजिए और फिर ये और पनप जाएगी। और ये शायद कुल्फा है, ये कुल्फा जैसा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, तो इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे ये उगी हुई है गाजर, और ये उग गई है एक मूली, इसको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे।